ये देखो भाई, अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है। और मैं तो जस्ट 5 बजे ही सोया था और 8 बजे आके उठ गया है। मतलब 5 बजे देखिए, मुझे लगता है 5:30-6 बजे तक ही सोया था, लेकिन जस्ट अभी दीदी को हॉस्पिटल का फोन आया था कि यार मम्मी को डिस्चार्ज कर रहे हो भाई, मुझे आके देखो इतनी लाल हो रही है, लिटरली मेरी नींद पूरी नहीं। पर चलो, खुशी है इस बात की बहुत ज़्यादा। देखो मुँह से शब्द नहीं निकल रहे यार, पर खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा कि यार मम्मी डिस्चार्ज हो रही है फटाफट से। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मम्मी को घर लेके आएंगे और मतलब मजा आएगा ना। मम्मी के नीचे रूम हमने सजा भी दिया, सजा भी किया था, खाली वाली कर दिया है। और अभी तो कुत्तों को पता भी नहीं कि मम्मी आने वाली है, थोड़ा दूर रखना है, पर हाँ बग्गू से मतलब तुम मिलेगी मम्मी वो देखने मजा आएगा, ठीक है। चलो फटाफट चलते हैं, दीदी नीचे वेट कर रही है, गाड़ी निकालते हैं, मम्मी को लेके आते हैं भाई। चलो लाल देख लो कितनी आंखें हो गई, हो चलो चलते हैं। ये देखो मौका मिला नहीं, बाहर चला गया। चल पगो अंदर आ जा, बड़ी तू अंदर आइयो, अच्छा बच्चा है। कैसे हाफी चल अंदर, ओए 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 पगो, ओए ओए तू भाग रहा है दूर। ये देखो कैसा आ रहा है कैसा लग रहा है एकदम ठीक है, रखा कितना क्यूट लग रहा था यार। चलो भाई खेलते हैं। तो मम्मी फाइनली हमी दो छुट्टियां पर आके होगी फुल। तो मम्मी फाइनली हमी दो छुट्टियां पर आके होगी फुल। हाँ मिलो मम्मी, घर चल रहे हैं अब। अब पगू से मिलेंगे। थैंक यू भैया आपने छोड़ा यहाँ तक। अच्छा कैसे करना होगा, मतलब जरा मम्मी को बिठा दीजिए, खुद से बैठ जाएगी पकड़ी जाए, अंकल मैं मदद कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा मिहिर जो हो जो गाड़ी पे बैठाते हुए अपना मम्मी को अब ये सीधा अपने घर की तरफ जाने में खुशी जाहिर कर रहे हैं ये खुशी का बहुत ठिकाना नहीं है। हाँ जी हाँ जी मम्मी खुशी का ठिकाना नहीं है, फाइनली हॉस्पिटल से घर। पर भैया जैसे चलने में दिक्कत है तो वो एक मुँह नहीं होता जो एक पकड़ते हैं आगे ऐसे, वॉकर हाँ वो नहीं है असाइन किया, जरूरत नहीं है, धीरे धीरे और ठीक हो जाएगा ना, वैसे चल लेती है सही है। अच्छा बस थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए बस, है ना। ओके मैम। चलिए अंकल ये फाइल ले लीजिए और ये कुछ सामान है, ठीक है। चलो अभी दीदी गई अंदर, जरा कॉफ़ी वगैरह लेके आते क्योंकि यार मैं सब बहुत नींद हूँ, लेकिन कोई नहीं कॉफ़ी भी किया अपन रेडी हो जाएंगे। और सबसे मेन तो ये कि यार मैं तो आता हूँ, गाड़ी बैठ जाओ ना पहले। माँ वो अपनी कजन निकी नहीं है, वो आ रही है की, मतलब उसके पापा छोड़ देंगे। ना ना उसका भाई जो है ना, भाई गाड़ी जा रही थी जल्दी से ले आएगा ना साथ साथ। हाँ मैंने बात कर ली है, दूर है ना, ना, ना यहाँ से पास है, चलो यार से नोएडा बड़ा पास है, नोएडा फरीदाबाद ये तो मैं देखता हूँ भाई, ये एरिया कितना बढ़िया है, यहाँ से दो रास्ते निकल जाते हैं, फरीदाबाद का भी निकल जाता है, नोएडा भी निकल जाता है, और दिल्ली तो पीछे है ही, स्टेट रिवर फरीदाबाद हाँ, लेफ्ट घूमे नोएडा नोएडा हाँ। और अब देखो NACR जाना है थोड़ा सा, मतलब यहाँ से 19 किलोमीटर के आसपास है। माँ ये पप्पू अंकल के बेटे के लिए मैंने जीता था गोली मार के, ये बर्थडे मेरा है ना, इसमें किनका बर्थडे है, आपका बर्थडे है आज। अरे अंकल हैप्पी बर्थडे यार, ये तो मुझे पता ही था। कितने साल के हो गए आप? 45। क्यों अम्मी तो बच्चों से पूछते हैं, क्यों तू कितने साल की अम्मी? 50 पे भी बहुत ऊपर है अम्मी। मम्मी को मैं थोड़ा सा माफ नीचे करूंगा, थोड़ी स्माइल बस स्माइल करने हल्की सी अच्छा लगेगा मुझे, कर ही रहे स्माइल। ये देखो भाई जितना भी सामान था वो अंकल, हाँ अंकल जितना भी सामान था, क्या क्या सामान उठा लिया था वहाँ से, जो भी वहाँ पड़ा हुआ था उठा लिया मैंने, पैसे तो मेरे ही लगे हैं। हाँ बिल दिया है, इतने लाखों का बिल है तो ये सब उठाएंगे, एकदम सही बात है अम्मी। हाँ देखो मम्मी ने मास्क लगा लिया अब, और देख लो भाई ये जितना भी ये तो चलो अलग है। पहले बताओ कि मम्मी कितनी क्यूट लग रही है, पहले सब ये बताओ, ये सही बहुत क्यूट लग रही है मम्मी। अम्मी क्यूची है तू, क्यूची हूँ है हूँ मैं। देख लो यार ये हम बरिस्ता वाले की कॉफी, ये हाँ जान पापा बस तुम्हारे लटके हुए हैं, पता लग रहा है अंकल ठीक रहेंगे वहाँ जब तक देख न ले, तसल्ली नहीं है। हाँ ये बात तो है, माने की बात नहीं, शाम के बाद कराऊंगा मैं। हाँ हाँ अंकल देखो यार अंकल अभी भी रुक रहे हैं यहाँ पे, अंकल को था ऐसी कोई बात नहीं है नहीं हाँ नहीं सही बात है, जैसे मम्मी मुझे कह रही थी जैसे मम्मी डिस्चार्ज हो गई है वैसे वो भी हो जाए, कह रहे हैं मुस्कुरा दीजिए शाम के बाद करा दूंगा, मुस्कुरा ही थोड़ा था। बरिस्ता ये कॉफी देख रहे हो, अब मुझे लगता है ये मेरे जीवन की आखिरी बरिस्ता कॉफी होने वाली है। क्यों कितने रुपए की पड़ी है ये, वो तो नॉर्मल यूजुअल महंगे शॉप महीने की स्टार्टिंग में ना 200-250 रुपए की कॉफी बहुत सही लगती है, लेकिन महीने का जब अंत आता है ना, जब पैसे बचते नहीं है अकाउंट में, सैलरी गई यू नो जॉब वाले गाइस, तब ये बहुत महंगी लगती है, तब अपने को 10 रुपए की टपरी वाली चाय पसंद आती है। क्यों अंकल
सही बात है, चलिए निकलते हैं अंकल। ठीक है, आप शाम में आ जाइए, बढ़िया आप रात में चावल दाल खाएंगे। अरे चल ना, एक बात 50 में क्यों बोलता है यार। ब्लॉगर हूँ ना मैं, क्या करूँ। देखो मेरे सामने यहाँ पे ये नोएडा में कोई ग्राउंड है बहुत बढ़िया, जहाँ पे फेरिस व्हील, इसको फेरिस व्हील बोलते हैं ना इंग्लिश में, जाइंट व्हील पता नहीं, ये जाइंट व्हील तो प्रॉपर नाम ही हो गया इसका, सही में कुछ ही बोलते हो यार, पर अच्छा खासा मेला है। और उधर मुझे लगता है रामलीला भी होती होगी भाई दशहरा के वक्त ना, मुझे यही सही लगता है कि हम जब भी जाएंगे मेला तो रामलीला भी हो रही, एक वाइब होती है, ये गांव में ज्यादा देखने को मिलता है, पर शहर में जब ये सिस्टम होता है तो अच्छा सा लगता है, अपनापन आता है। और अभी मुझे बहुत संभाल के जाना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी के नए नए स्टिचेस लगे हैं ना, तो होता है थोड़ा कच्चा स्टिच होता है तो ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत ध्यान से चलाता हूँ, चलो ड्राइविंग फोकस करते हैं यार। ये बड़े खतरनाक, यार मुझे तो झूले एकदम नहीं पसंद, मुझे खुद मुझे तो वाटर पार्क पसंद है, एडवेंचर पार्क पानी दे दो। हाँ हाँ, मैं तैरता हूँ, पानी झूले मत दो, वो ऊपर से आने वाले वो सब मत दो। हाँ मतलब देखो स्विमिंग पूल पसंद है ना, हीट यार लोग ऐसे फोर्स करते हैं, जो तो बहुत मजा आता है। कैसे लोग हो तुम? नहीं मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ जब मैं जाता हूँ ना ऐसे एडवेंचर पार्क, आंखें बंद में फील सब कुछ होता है। मैं स्किप डेट पार कर देता हूँ। ये देखो आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष मेरा भाई मेरे साथ है, ठीक है, और पीछे निक्की भी आ गया। हेलो निक्की। तो निक्की आशीष की बहन है और ये सब मेरे भाई बहन है ना। ये मेरी बड़ी बहन है, आशीष मेरा छोटा भाई है। आशीष चलो धन्यवाद यहाँ तो निक्की को ड्रॉप करने के लिए, खुश रहो ठीक है। निक्की का तुम बढ़िया ध्यान रखेंगे। हाँ जी, टेंशन मत लेना, चलो एक फोटो खिंचवाते हैं बढ़िया। एक्सक्यूज मी निक्की, जरा एक मिनट चुप रहना। तो देखो बस हम यार अब घर पहुँचने वाले हैं, ये अपना D&D आ गया है ठीक है। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरी जो पीछे कजन निक्की बैठी है, निक्की तुम्हारे एक हाथ में चिकन पॉक्स हो गया था ना, तो जैसे तुम जानते हो चिकन पॉक्स हम क्या बोलते हैं इन देसी लैंग्वेज की, माता आ गई माता आ गई। हाँ। तो निक्की को एक हाथ में चिकन मतलब फोड़ा हुआ, तो निक्की वो कौन सी माता आई उस वक्त? अंगार माता। मैं तुम लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, उसमें फिर हम अंगार माता बोलते हैं ठीक है। तो इसमें फिर उपाय कैसे हुआ इस चीज का? दवाई दवाई से नहीं, दवाई से तो बोल गए थे। जैसे ओके, ये वो पत्ती को ज्यादा पसंद करती है माता, दूसरे आयुर्वेदिक वाला सीन है, कुछ भी ना सिर्फ लेकिन सही में तू भी जानती है चीज को। नेहा को भी तो मुंह में ऐसे मत बोलो, यकीन करते वही होता है। तो ये सब कुछ दवाई से नहीं खाती कोई? मैं दवाई से नहीं, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा एक एक बोलते हैं माता बोलते हैं, माता एक माता आते हैं जो पूरा शरीर पे आ जाते हैं। हाँ, वो चिकन पॉक्स होता है वो। हाँ। वो भी मुझे एक बार हुआ था। अच्छा जैसे माता नहीं हुआ ना, मैं तू बच गया, पता जब मेरे को माता मेरे को एकदम बोर्ड्स, सबसे ज्यादा पसंद नीम का पत्ती होता है। नहीं ऐसे लाइफ में एक बार, लाइफ में एक बार होता सब बोलते हैं। अच्छा बचा हूँ मैं अभी, तू बचा हुआ है। हाँ मेरे को तो छोटे में हो गया, तेरे को भी पहले ही बचाना चाहिए था। नहीं है अभी, हमको शादी के, देख लो यार अगर तुम लोगों को कभी शादी के पहले कुछ दिन पहले हुए मुझे। अच्छा अगर तुम लोगों को कभी ऐसा हुआ हो तो मुझे लग रहा है फिर मम्मी ये चीज लोगों को पता होगी। हाँ सबको पता है, तो मुझे पता लगे। मम्मी देखो आ गई है और पप्पू की रिएक्शन देखो, देख पगू तेरी मम्मी आ गई है, कितना खुश हो रहा है। अच्छा हाय मेरा बच्चा पगू, आजा मम्मी अंदर आजा 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 आजा। माँ करीब कितना, एक हफ्ता हो गया ना। हाँ। देखो गुस्सा हाँ। कर रहा है, देखो करीब एक हफ्ते से पहली बार दूर रहा है ऐसे, और मुझे दिखता था यार जब जब भी मतलब घर पे ना बोटे जब भी कोई आता था ना टेंशन हुआ मम्मी तो नहीं आ गई, हर बार ऐसा होता था। देखिए गुस्सा कर रहा है, कहाँ छोड़ी चलेगी थी मुझे। अभी के लिए ये वाला रूम जो मेरा वाला था वो मम्मी को दे दिया गया है, क्योंकि मम्मी को चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होगी ना यार। और बाथरूम जो मेरा वाला है वो भी इंग्लिश टॉयलेट है, तो आराम से जाके बैठने का है, मतलब पापा भी जब आएंगे तो थोड़ा सेटलमेंट करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन के लिए मम्मी यहाँ पे है, कम्फर्ट रहेगा ना। ये खुश देख दे तो कितना खुश लग रहा है। मैं तो 24 घंटे शर्मा नशे में ही लगती है, लेकिन कोई नहीं। Later that same evening. इससे बढ़िया रिकॉर्डिंग मिल गई। तो देखो भाई यहाँ पे अपना गाना चल रहा है, अंकल ने रिकॉर्ड किया, अंकल से पूछते हैं रिव्यू। अंकल आप बताइए कैसा गाया आपके बहुत भाई ने? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया गाना हो ही नहीं सकता। अरे थैंक यू अंकल, बस आज के लिए इतनी डायबिटीज ठीक थी, कभी आज ही ना हो जाए मुझे। लेकिन अंकल बहुत स्वीट है, जो अंकल मतलब है तारीफ कर गए। अगर इसमें म्यूजिक साथ में रहता। क्या बोल रही है अंकल, हमारा तारीफ कीरे से भी अंकल स्वीट है।
इसके अगर साथ म्यूजिक रहता ऐसा गाना कोई जोड़ नहीं था। नहीं नहीं अंकल, मैं तो कह रहा हूँ अच्छे लोगों को अच्छा इंसान ही पहचानता है। तैयारी करके आते हैं तब गाते हैं, ये बिना तैयारी किए गाना गाता हो क्या बात। अरे अंकल मुझे याद, आप साथ में साथ पहुँचा दिया आपने। चलिए अंकल, अब बेसिकली अंकल का बर्थडे मना रहे हम, तो ये देख लो ये अंकल का केक है। हैप्पी बर्थडे पप्पू, बेसिकली पप्पू अंकल के घर का नाम है। अंकल आपका रियल नेम क्या है? मनोरंजन सिंह। मनोरंजन सिंह जो करता है हर जगह मनोरंजन, अंकल हर जगह मनोरंजन तो करते हैं और क्या करते हैं। मनोरंजन मतलब क्या होता है? इंजॉयमेंट ही होता है ना, इंजॉय एंजॉय तो अंकल आप करते भी कराते भी हमें। एक का फोटो खींच दीजिए वहाँ बच्चा लोग को। हाँ अंकल भेज दीजिए, उनको भी लग रहा होगा ना। मुझे तो पता ही था जो आपने बोला ना, जब अंकल आपने बोला कि जब आपने बोला कि बच्चों का फोन आ रहा था, मुझे लगा ऐसे याद कर रहे होंगे। फिर आपने बाद में बताया कि मतलब मम्मी ने बताया, वो तो बर्थडे के लिए विश कर रहे होंगे वो। Happy birthday to you. Celebrations. नहीं अंकल दीदी को खिलाई दीदी। दीदी के लिए खिलाई अंकल। बहुत बड़ा उठाया हम उतना खा लेंगे नहीं। हाँ। बड़े बॉय, थोड़ा बड़े बॉय को भी। अच्छा लगेगा ऐसे अंकल को किया। ये इसमें कोई वेस्ट नहीं बोलता ऐसे, अब पब्लिक है अपनी। नॉडी को भी, ये देखो भाई बर्थडे केक खाली का सा नॉडी को भी देंगे अपन। ये भी दे दे, इसको भूख लग रहा है बेचारे को। जो कैसे पसंद करता है यार, कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं बांटेगा कि नहीं देना चाहिए, सब कुछ पता है हमें। इससे थोड़ा सा दे रहे भाई, घर का सदस्य है हमें भी तो भाई मीठा नहीं खाना चाहिए ज्यादा, पर खा रहे हैं ना, बर्थडे है सेलिब्रेशन।